एक नंबर गणित के अंतर्गत आज हम आयत व वर्ग यानी रेक्टेंगल एवं स्क्वायर से संबंधित सवाल देखेंगे। इसमें हम इनके क्षेत्रफल व परिमाप के संबंधित सवाल, पिछले चैप्टर में हमने त्रिभुज और त्रिभुज से संबंधित जो उसके क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित सवाल देखे थे, तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो आयत का दिया हुआ है। तो आयत की खासियत होती है इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ए इंटू बी, इसकी लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। इसी प्रकार इसके परिमाप का फॉर्मूला ट्वाइस ए प्लस बी, और विकर्ण की लंबाई है, बीच में जो लंबाई है इसे विकर्ण कहा जाता है, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, अंडर रूट में रहता है। एक तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगी हुई है। सेकेंड है हमारे पास आकृति, उसका नाम है वर्ग। वर्ग की जो होती है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आप देख सकते हैं चित्र में चारों भुजाएं ए हैं और इसमें भी विकर्ण डी होता है। इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, परिमाप होता है फोर ए, और विकर्ण की लंबाई होती है ए अंडर रूट टू। ये फॉर्मूले आपको जब तक याद नहीं होंगे सवाल आपको नहीं आएंगे। तो आपको फॉर्मूला भी इस चैप्टर, इसलिए पहले फॉर्मूले तैयार करने होंगे। इसका पहला सवाल दिया हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या है यदि इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर है तथा इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। तो इसको करने के लिए हम एक चित्र कल्पना कर लेते हैं। ये तो इसका विकर्ण 25 हो गया, भुजा 24 हो गई, एक भुजा गायब है x। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान 25 है, एक आधार का मान 24 है, और इसका मान मालूम नहीं है, एक्स मान लिया। इसको सॉल्व किया, 25 का 625, 24 का 500, क्षेत्र घटाया 49 आया, अंडर रूट करा तो 7 आ गया, यानी एक भुजा 7 आ गई। बट सवाल में रिक्वायरमेंट है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देन क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उनकी भुजाओं का गुणा। तो 24 और 7 का गुणा करेंगे 168 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आंसर होगा। अगले सम को देखेंगे, उसमें लिखा है 90 सेंटीमीटर की परिधि, परिधि मतलब परिमाप, और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप इसमें सपोज कर लीजिए पहले इसकी की लंबाई जो है वो एल है, और परिमाप जो है वो 90 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 20 सेंटीमीटर है। अब लंबाई आपको दी नहीं है ना, तो लंबाई आपको ज्ञात करनी होगी, तो आपको इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो इसकी इसमें दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर परिमाप है, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई, लंबाई इसकी है नहीं, तो इसका फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में l प्लस b। तो परिमाप में p की जगह आ गया 90, 2 अपनी जगह 90 अपनी l अपनी जगह, b की जगह 20 आ गया। एक काम करिए, 2 से 90 को काट दीजिए, 45 आ जाएगा इधर, ये l प्लस b ट्रांसफर कर दीजिए, l का मान 25 आ गया। क्षेत्रफल निकालना है लंबाई गुणा चौड़ाई, एक भुजा 25 है, एक भुजा 20 है, दोनों का गुणा करिए 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सम, इसमें दिया 168 सेंटीमीटर लंबाई की एक वृत्ताकार तार को काटा जाता है तथा एक आयत के आकार में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:7 है, तो आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आपको 168 जो दिया है तार चारों तरफ लपेटा गया है वो आपका परिमाप बन जाएगा। तो इसमें हमारे पास आयत की भुजा उसके अनुपात में दी है 5:7, तो भुजा में जाएंगी 5x और 7x, और तार की लंबाई जो होगी वो आयत का परिमाप बन जाएगा। तो लंबाई कितनी है 168, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है ट्वाइस एल प्लस बी, एल का मान 5x, बी का मान 7x। इन्हें सॉल्व करिए आप, 2 से इसे काट दीजिए 168 84 आ गया, 5 और 7 12x आ गया, 12 से फिर 84 काट दीजिए, एक्स का मान 7 आ गया। जैसे x का मान 7 आए, इस 7 को लंबाई में रखिए 5x की जगह और यहाँ 7x की जगह, तो 35 और 49 आ जाएंगे। अब उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि लंबाई विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए, तो लंब का स्क्वायर, और तो ये हो जाएगा 5 7 35 वाला स्क्वायर और ये 7 7 49 का स्क्वायर, इनके होल स्क्वायर खोल दीजिए, उन्हें ऐड करिए, जिस डिजिट में आ रहा है इसके ओटी में इसी डिजिट में दिया हुआ है 3626 अंडर रूट में, ठीक है। तो आप चाहें इसमें अंडर रूट में पूरे आंसर नहीं दिए, बाकी इसके आंसर की फॉर्म इसी फॉर्म में आएगी। अगला है, एक आयताकार बगीचा 100 मीटर × 80 मीटर का, मतलब लंबाई 100 चौड़ाई 80 है, उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है, इस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको करने के लिए हम एक चित्र की कल्पना करते हैं। हम सबसे पहले मानते हैं कि ए बी सी डी जो है वो एक पार्क है जिसकी लंबाई 100 और 80 है, और चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 10 जब इधर बढ़ेगा 10 इधर बढ़ेगा, तो 80 में 10 इधर 10 इधर, तो जो 100 हो गया, ऐसे इधर से 100 था इधर की साइड 10 और इधर की साइड 10, तो ये 120 हो गया, 10 इस साइड का और 10 इस साइड का, दोनों जोड़ेंगे तो 120, ठीक है।
तो अब बाहर के क्षेत्रफल में से अगर अंदर का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल में से एबीसीडी के क्षेत्रफल को घटाए थे। ये हम चित्र में देखेंगे पी क्यू आर एस क्या है और एबीसीडी क्या है। पी क्यू आर एस जो है बाहर के रास्ते का बॉर्डर है और एबीसीडी पार्क का। इसकी लंबाई 120, चौड़ाई 100, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे इसकी लंबाई 100, इसकी चौड़ाई 80, 100 × 80 से हल करिए सिंपल। सॉरी 120 × 100 करेंगे 12,000 और 100 × 80 करेंगे 8,000, सॉल्व करेंगे 4,000 वर्ग मीटर है। उन्होंने पूछा है अगले सवाल में, आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल 417.605 वर्ग मीटर हो तो लंबाई क्या होगी। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले आप सपोज कर लीजिए उसकी चौड़ाई जो है वो एक्स है और लंबाई 2x है, क्योंकि सवाल में कहा दुगनी है। अब प्रश्न अनुसार उनका क्षेत्रफल इतना है, तो आप क्या करेंगे, लंबाई की जगह x और चौड़ाई की जगह 2x, तो जो हो जाएगा 2x स्क्वायर। इधर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है। आप अंडररूट फॉर्म लेंगे इसकी तो आ जाएगा 14.45। अब सवाल की डिमांड क्या है, तो लंबाई कितनी होगी, तो एक्स का जो मान आया है ना वो उसकी लंबाई में डाल दो, तो लंबाई है 2x, x की जगह डालिए 28.90। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका वैल्यू आंसर हो जाएगा, ये आंसर है इसका। अगला सवाल, 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार आंगन में, प्रांगण मतलब आंगन ही होता है, पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर माप के कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आंगन के क्षेत्रफल में फर्श के एक लगने वाले पत्थर का क्षेत्रफल का भाग दे दें तो पता चल जाएगा। तो इसमें एक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, आवश्यक पत्थरों की संख्या, आंगन का क्षेत्रफल और एक पत्थर का क्षेत्रफल। आंगन का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 × 17.5, पत्थर का क्षेत्रफल हो जाएगा 2.5 × 2, ये सब ऊपर दिया है आपको, इसे आप कैंसिल आउट करिए 105 पत्थर आ जाएंगे। ठीक है, दशमलव से दशमलव काट के, तो आप देख सकते हो ऊपर ये आंगन का क्षेत्रफल है, ये पत्थर का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला सवाल, अगले सम में दिया गया कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यदि कमरे का फर्शी क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है तो फर्श का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसकी चौड़ाई माननी होगी x, तो लंबाई अपने आप x प्लस 3 होगी, सवाल में डिमांड है कि लंबाई उससे चौड़ाई से 3 अधिक है। अब इन दोनों का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वो 70 है। इसको एक समीकरण की फॉर्म में बनाएंगे, गुणा करके एक्स स्क्वायर प्लस 3x 70 इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसका अपन गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये लाइन तैयार होगी और यहाँ से दो फैक्टर मिल जाएंगे x प्लस 10 और x माइनस 7। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ से x बराबर माइनस 10 और x बराबर 7। ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का है क्योंकि हम प्लस की डिजिट वैल्यू लेके चलते हैं, क्योंकि लंबाई दूरी जो भी चीजें आती है चौड़ाई हमेशा धनात्मक होती है। तो एक्स का मान 7 रखेंगे तो कमरे की चौड़ाई होगी 7 और लंबाई उससे 3 अधिक है, तो 7 में 3 जोड़ेंगे 10। उन्होंने कहा परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप का फॉर्मूला था ट्वाइस एल प्लस बी, तो 7 × 10 = 17 × 34 मीटर इसका परिमाप आ गया। एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब उसकी लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो कमरे की आप चौड़ाई मान के चलेंगे एक्स, तो लंबाई हो जाएगी एक्स प्लस 20, तो क्षेत्रफल हो जाएगा ये। अब परिवर्तित चौड़ाई है x प्लस 5, 5 बढ़ रही है, तो लंबाई उसकी 10 घट रही है, तो x प्लस 20 में से 10 घटाएंगे तो x प्लस 10 आ जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल ये आ गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखो, ये भी क्षेत्रफल और ये भी क्षेत्रफल है, और प्रश्न में कहा गया दोनों समान रहते हैं स्थिति में, तो आप समीकरण 1 और 2 की क्या कर देंगे, तुलना, तो ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। इन्हें ब्रैकेट्स खोलिए इनका, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन कट गया, 5x = 50 आ गया, x का मान 10 आ गया। अब उन्होंने बोला फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये x का मान जो है फर्श के क्षेत्रफल में रख दीजिए आप, x की जगह अपन ने 10 रखा और इसको नीचे सॉल्व किया, तो देखिए 10 और 20 मिलकर 30 और ये 10, तो आ गया 300 मीटर स्क्वायर। अगला सवाल उसमें दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो मान लीजिए कि आयत की लंबाई जो रही होगी वो x, चौड़ाई जो रही होगी y, तो क्षेत्रफल हो गया एक्स वाई बराबर 60 और परिमाप होता है ट्वाइस x प्लस वाई बराबर 34, तो उसे आप 34 को काट दीजिए, x प्लस वाई बराबर 17। ये समीकरण नंबर 1 है, एक समीकरण नंबर 2 है। तो एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी आप अलग अलग संख्याओं को इसमें हिट करके देखें और ट्राई करके देखें आंसर आ रहा है,
तो मैंने इसमें पुटिंग मेथड से या हिट एंड ट्रायल मेथड से एक्स का मान 12 वाई का मान 5 रखा, क्योंकि 12 5 17 और 12 5 का गुणा करेंगे तो 60 आएगा, तो समीकरण एक और दो सेटिस्फाई हो रहे मेरे, तो इसलिए मेरा एक्स का मान हो गया 12, वाई का मान हो गया 5। या आप एक एक करके कर सकते हैं, चाहे आप समीकरण बना के सॉल्व कर लें। अब आपसे पूछा है कि विकर्ण की लंबाई दोनों भुजाओं का स्क्वायर कर दो अंडर रूट में, 12 का 144, 5 का 25 जोड़ेंगे तो 169, अंडर रूट लेंगे 13 आ जाएगा। अगला सम, किसी आयत की लंबाई और उसके परिमाप का अनुपात 5:16 है, तो लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। इस सवाल में आपको साफ साफ दिया गया है कि आयत की लंबाई जो है वो x से, चौड़ाई y है, तो परिमाप हो जाएगा 2x + y। अब प्रश्न साहब लंबाई और परिमाप का अनुपात है 5:16, तो लंबाई x होगी, परिमाप का सूत्र रख दिया 5:16। अब इसको बटे में ले लिया, बटे में लिया तो क्या हो गया, 2 से ये 16 कट गया, 8 आ गया। अब आप देखो x का मान हो गया 5, अगर x का मान तुम्हारे पास 5 आ गया है तो इसे नीचे वाले में रख के ट्रांसफर कर दो तो y का मान आ जाएगा 3। तो हमारे पास इन दोनों का अनुपात चाहिए लंबाई चौड़ाई का, तो 5:3 आ जाएगा। ठीक है, 5:3। ठीक है, आप ये मेरी बात समझ पाए होंगे कि x प्लस वाई बराबर आपको 8 दिया है। अब x की जगह आप 5 रख दो, वाई बराबर 8। अब इस 5 को उधर ट्रांसफर कर दो तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अगला सम, एक वर्ग के विकर्ण 12 सेंटीमीटर का है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। मैंने आपको पहले ही बोला है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो आपको विकर्ण दिया 12, विकर्ण का फॉर्मूला होता है ये अंडर रूट 2, ये रूट 2 नीचे उतारा और परमेकरण कर दिया, तो रूट 2 का रूट 2 से ऊपर 2 आ गया, ऊपर वाला रूट 2 ऐसे ही 2 से ऐसे काट दीजिए, 6 बार कटेगा, 6√2 सेंटीमीटर आंसर भी आ गया। एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर का तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, इसमें आप मान रख दो विकर्ण का 10/2, 100 आ गया, 100 को काट दो तो 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला, एक वर्ग का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ प्रिंट नहीं है, तो आपके वर्ग का क्षेत्रफल है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 24, तो ए बराबर आ गया अंडर रूट में 24, 24 को तोड़ दो 4×6 में, 4 बार करो 2√6 आ गया ए। उसने पूछा परिमाप 4a, a का मान यहाँ रख दो, 4×8 √6 सेंटीमीटर आंसर भी आ गया। अगले समय उन्होंने कहा है दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, यदि उन दोनों के समेकित यानी सम्मिलित क्षेत्रफल 12.25 है, तो बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि भुजाओं का अनुपात 3:4 और उनका दोनों का कंबाइंड क्षेत्रफल जो है 12.25 है, तो हमने पहले की भुजा मान ली 3x, दूसरे की 4x, तो इसका क्षेत्रफल 3x², इसका 4x², और दोनों का जोड़ किसके बराबर, 12.25 के बराबर। इसका होल स्क्वायर खोला तो जा जाएगा 9x² जी 16x² जी 12, इन दोनों को जोड़ा 25, इसका डेसिमल हटा के नीचे 0 बढ़ा लीजिए, 25 को ट्रांसफर कर दीजिए, आ जाएगा 49/100। स्क्वायर लोगे तो 49 का 7 और 100 का 10 आएगा, 7 में 10 से डिवाइड देंगे तो 0.7 आ जाएगा। अब उनने बड़े वर्ग की भुजा पूछी है, तो बड़े वर्ग की भुजा मतलब 4x, छोटे की 3x है, तो 4 और x की जगह मान रख दो जो वाला, तो 4×7=28 यानी 2.8, डेसिमल एडजस्ट कर दो। अगला समय, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से का पार्क का चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पार्क का क्षेत्रफल दिया, इससे आप पार्क की भुजा निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आपने क्या किया, पार्क का क्षेत्रफल 25 है तो स्क्वायर बराबर 25, तो ए बराबर आ गया 5। अब आपको परिमाप निकालना, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है पार्क के चारों ओर की दूरी, तो 4a में 1 की जगह 5, 4×5=20, यानी तय दूरी कितनी हो गई 20, और चाल कितनी दी है सवाल में, आप जरा ध्यान से देखिए, चाल उसने दे रखी है आपको, सॉरी चाल उसने आपको दे रखी है 3, तो आपके पास दूरी है और चाल है, फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, मान रख दो 20/3, 6 से ही 2/3, ये ओटी में आंसर नहीं था, तो फिर इसको आपने मिनट में चेंज करना, 2/3 में 60 का गुणा करके 3 से काटेंगे, 20 बार जाएगा और 20×40 हो जाएगा, तो इस जगह 20×40, तो 6 घंटा 40 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। अगला समय इसमें दिया, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि इसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण के √2 गुना, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपके पास
पुराना वर्ग है, इसमें कहीं पुराना वर्ग लिखा नहीं है, पर आप वर्ग समझ लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल 200 है और आपको विकर्ण दिया, विकर्ण का फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर, तो इससे हम विकर्ण निकाल सकते हैं, तो ये 2 गुणा हो जाएगा 400, विकर्ण आ गया 20। अब नए का विकर्ण कितना हो जाएगा, तो नए का विकर्ण इसका रूट 2 गुना है, तो 20 में रूट 2 का गुणा कर दिए, 20 रूट 2 हो गया। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा नए विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, इसमें आप मान रख दीजिए 20 रूट 2 का स्क्वायर आओ 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया 400 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सम था, पुराने वाले के विकर्ण का रूट 2 गुना करा, नया विकर्ण आ गया, नए विकर्ण का अपन ने फॉर्मूले में डाल दिया क्षेत्रफल के में, तो उसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अगला सम, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण अपने पास 6√2 बटे का स्क्वायर कर लेंगे, जे 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, 6 का 36 हो गया। अगला सम, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो, यानी आपको जो दो वर्ग दिए इनका पहले क्षेत्रफल लो, उनका अंतर करो, वो तीसरे वर्ग के बराबर होगा, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो उसने पूछा तीसरे वर्ग का परिमाप पूछा, ध्यान रखिएगा सवाल में डिमांड तीसरे वर्ग के परिमाप की गई है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको दो वर्ग दिए, उनके परिमाप है 40 और 32, तो पहले की भुजा हमने A1, दूसरे की A2, तीसरे की A3 मान के रखेंगे हम, तो जो हो गया 4A1 बराबर 40, 4A2 बराबर 32, तो यहाँ से आ गया A1 बराबर 10, यहाँ से आ गया A2 बराबर 8। A1 A2 जैसे ही आ जाए तो क्षेत्रफल का अंतर इसका स्क्वायर फॉर्मूला होता है A का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लीजिए, 100 - 64 यानी 36। जैसे ये 36 आया तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, तो इसकी भुजा हमने A3 बोली थी, तो A3 का स्क्वायर बराबर 36, तो A3 बराबर 6। अब उनने कहा इसका परिमाप निकालो, तो 4A3, 4 अपनी आ गया 3, A3 क्या मान आ गया 4 6 24 सेंटीमीटर। अगला सम दिया हुआ है, अगला सम हमको दिया हुआ है, इसमें उसमें लिखा है कि यदि वर्ग की हर भुजा 2 लंबाई एकक बढ़ा दी जाए, यानी यूनिट 2 यूनिट बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल 20 वर्ग एकक यानी यूनिट बढ़ जाता है, तो वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई क्या होगी। मतलब इसमें एकक लिखने का मतलब है सेंटीमीटर, मीटर ना लिखकर उसने एकक लिख दिया है, इसे अंग्रेजी में यूनिट, हिंदी में इकाई भी कहते हैं। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, माना वर्ग की भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो नए वर्ग की भुजा उससे 2 बढ़ रही है, तो नया क्षेत्रफल हो जाएगा A+2 का होल स्क्वायर। अब प्रश्न में उसने कहा है कि नया जो क्षेत्रफल है वो पुराने क्षेत्रफल से 20 अधिक हो जाता है, आप सवाल में यहाँ पढ़ सकते हैं लाइन को, 20 वर्ग क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब हम इसका ब्रैकेट लेके सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा A²(4+4A)² खुला, और ये A²+A² से A² कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से 4A = 16, तो A = 4 आ गया। जैसे A का मान आया तो विकर्ण की लंबाई होती है A√2, 4 का मान रखिए 4√2। इस सवाल में उन्होंने विकर्ण की लंबाई पूछी थी, इसलिए अपन ने वही निकाली। अगला सर, इसमें लिखा है 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में चावल का उत्पादन 1000 किलोग्राम, तदनुसार उसी तरह के 100 मीटर भुजा वाले खेत में चावल का उत्पादन क्या होगा। वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये भुजा इससे दुगनी बड़ी हो रही है, और चूंकि इसमें स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर 4, तो यानी 4 गुनी फसल होगी, तो 1000 का 4 गुना होता है 4000, तो इसका आंसर तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, सी है। फिर भी हम मैथड से करेंगे, तो हमको मालूम है 50 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हो गया 50 का स्क्वायर 2500, तो 2500 में हम कितना उगाते हैं 1000, तो 1 मीटर में कितना घुमाएंगे, कितना उत्पादन करेंगे 1000 बटे 2500, तो 100 मीटर वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, 100 × 100 यानी 10000, तो 10000 का इसमें सीधा गुणा कर देंगे, तो आप सॉल्व कर लीजिए 4000 आ जाएगा। ठीक, आज का अगला सवाल है, इसमें लिखा है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक वर्गाकार खेत को विकर्ण में पार करते में 2 मिनट लगाता है, तदनुसार उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें ये बात मालूम पड़ गई है कि विकर्ण के रूप में पार करने की दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, और विकर्ण की दूरी को हम कहते हैं विकर्ण की लंबाई, इसमें 4 दिए 3, इसमें 5/18 का गुणा इसलिए किया क्योंकि मीटर पर सेकंड बदल लिया, और 2 मिनट दिए उसमें 60 का गुणा कर लिया, तो वो आपको सेकंड में बन गए, तो पूरा सवाल मीटर पर सेकंड में बन गया। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए सिंपल मैथमेटिक्स से, तो आपको
थ्री के टेबल से इसके 18 काट दो, 6 बार जाएगा, 6 के टेबल से काट दो, 10 बार ये जाएगा, और गुणा कर लेना 100 आ जाएगा। जब ये 100 आ जाए तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है ई अंडर रूट टू, तो इससे तुलना करेंगे तो रूट टू नीचे उतर जाएगा। इसका परिमेयकरण कर देना, रूट टू ऊपर नीचे गुणा होगा तो वो आ जाएगा 100 रूट टू, नीचे आ जाएगा 2, काटेंगे तो आ जाएगा 50 अंडर रूट टू। पर अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी पूछा आइए केवल। उसने कहा खेत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो 50 अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 50 का आएगा 2500, रूट दो का 2, 25 दूनी तो जाया जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन्हें आप धीरे धीरे कीजिए, आपको धीरे धीरे ये मैथ्स के पोर्शन को आने लगेगा, पर ये आपको तब आएगा जब आपको इसके फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, धन्यवाद।